क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और आप देख सकते हो दोनों ही वेरिएबल की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू t है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dx / dt, देन dy / dt, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy / dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dx / dt, आप देख सकते हो न्यूमरेटर / डिनोमिनेटर है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई हियर कोशेंट रूल। हाउ, देखो dx / dt, dx / dt, dx / dt विल बी इक्वल टू square of denominator, that will be cos 2t, that will be cos 2t, then denominator is as it is, root cos 2t into derivative of numerator, sin cube t ka derivative kya hoga, 3 sin square t, aur sin t ka derivative kya hoga, cos 2, derivative of numerator kya hoga, 3 sin square t, वो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी, इज इट क्लियर, ठीक है। देन माइनस साइन, व्हाट वी विल डू नाउ, न्यूमरेटर इज एज इट इज, दैट इज साइन क्यूब टी, न्यूमरेटर इज एज इट इज, दैट इज साइन क्यूब टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 / रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट कॉस टू टी, और cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2t, देन डेरिवेटिव ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज इनटू 2, दैट इज इनटू 2, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, राइट। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, रूट cos 2t, रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू कॉस 2t, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस 2t इंटू क्या हो जाएगा, 3 sin square t इंटू क्या हो जाएगा, कॉस t, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड वी विल हैव साइन क्यूब t इंटू साइन 2t into sin 2t upon root cos 2t into cos 2t, that is cos 2t power 1 plus 1/2, that is 3/2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई dx / dt की, this is the value of dx / dt, this is the value of dx / dt, now y is equal to cos 2t upon root cos 2t, right? So first of all again differentiate, जैसे आपने यहां किया था, इसको क्या किया था, differentiate with respect to t, हमने इस function को differentiate किया with respect to t, इसी तरह से हम इस function को क्या करेंगे, differentiate with respect to t, what we will have, now first of all again we will apply the quotient rule here, that is dy by dt, it will be equal to denominator square, that is cos 2t, denominator square kya ho jayega, cos 2t, now denominator is as such as, that is cos 2t into derivative of numerator, so cos cube t ka derivative kya hoga, 3 cos square t, और cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t, इज इट क्लियर, ठीक है। देन माइनस साइन, न्यूमरेटर इज एस एच एस, दैट इज cos क्यूब t, न्यूमरेटर इज एस एच एस, दैट इज cos क्यूब t, एंड देन न्यूमरेटर इज एस एच एस, दैट इज cos क्यूब t, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अगेन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, इनटू t, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अगेन 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, इसका एलसीएम क्या, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1, 1 और रूट कॉस 2t का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 2t, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस 2t माइनस, ये एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos square t
थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू में क्या हो जाएगा साइन टी, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन टू टी, साइन टू टी ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब टी, रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस टू टी रेस टू पावर क्या हो जाएगा थ्री बाय टू। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी टी। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी टी, बट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। नाउ डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, dx by dt. So what we will have, this is the value of dy by dt. dy by dt will be equal to what? It will be equal to minus 3 cos 2t. Minus 3 cos 2t cos square t sin t plus cos cube t sin 2t upon cos 2t raised to power 3 by 2. अपॉन डीएक्स बाय डी टी दैट इज कॉस टू टी, थ्री को यहां ले लेते हैं हम, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी अपॉन कॉस टू टी रेस टू पावर थ्री बाय टू, कॉस टू टी रेस टू पावर थ्री बाय टू। देखो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके, सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखो अगर आप यहां न्यूमरेटर में देखो तो देखो यहां से मैं कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकता हूं, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, तो अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेता हूं कॉस स्क्वायर टी, तो विद इन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा माइनस थ्री कॉस टू टी, माइनस थ्री कॉस कॉस टू टी, और ये हो जाएगा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस टी और इनटू में हो जाएगा साइन टू टी, इनटू में क्या हो जाएगा साइन टू टी अपॉन, और डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, तो यहां क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा थ्री कॉस, ये हो जाएगा थ्री कॉस टू टी, ये क्या हो जाएगा थ्री कॉस टू टी इंटू कॉस टी, थ्री कॉस टू टी इंटू कॉस टी, याद रहेगी यहां से वैल्यू, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो प्लस साइन टी इंटू क्या हो जाएगा साइन टू टी, इंटू क्या हो जाएगा साइन टू टी, इज इट क्लियर, ठीक है, यहां से क्या हो गया माइनस थ्री कॉस टू टी इंटू साइन टी, भाई साइन टी भी आएगा, ये मैं ऐसे लिख देता हूं इंटू साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया तो कॉस टी इंटू साइन टू टी, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो जी। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो साइन टू टी साइन टू टी, तो व्हाट वी विल नेक्स्ट टाइम, व्हाट वी दैट इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी विद इन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा माइनस थ्री कॉस टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टू टी को आप कह नहीं सकते हो टू साइन टी कॉस टी, टू साइन टी कॉस टी अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री कॉस टू टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, साइन टू टी क्या हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी, साइन टू टी क्या हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आप देखो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहां से, देखो एक आपका साइन टी कॉमन आ जाएगा, साइन टी यहां से कॉमन आ जाएगा, साइन टी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, और यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा कॉस टी, कॉस टी कॉमन आ जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाय साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी बाय साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी बाय साइन स्क्वायर टी,
और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा साइन टी, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा साइन टी, और डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ जाएगा कॉस टी, डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ जाएगा कॉस टी। ये बात समझ में आ रही है। न्यूमरेटर से जब हम साइन टी कॉमन लेंगे तो व्हाट वी विल हैव, माइनस थ्री कॉस टू टी, माइनस थ्री कॉस टू टी, माइनस थ्री कॉस टू टी प्लस टू कॉस स्क्वायर टी, प्लस टू कॉस स्क्वायर टी, प्लस टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन अपॉन, देखो यहां से हमने कॉस टी कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया थ्री कॉस टू टी, थ्री कॉस टू टी, थ्री कॉस टू टी प्लस कॉस टी हमने कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा टू साइन स्क्वायर टी, ये क्या हो गया प्लस टू साइन स्क्वायर टी। ये बात समझ में आ रही है। देखो तो साइन से साइन स्क्वायर टी कट जाएगा, कॉस से ये कट जाएगा, कॉस टी बाय साइन टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी बाय साइन टी। अब इसको एज इट इज रखते हैं। अब आगे देखो देखो तो यहां पे है आपका कॉस टू थीटा और यहां पे है कॉस स्क्वायर, तो कॉस टू थीटा का कॉस के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री विद इन ब्रैकेट टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी, प्लस में क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी। आगे देखो कॉस टू थीटा का साइन की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, यहां साइन है तो कॉस टू थीटा का साइन वाला फॉर्मूला, प्लस में क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर टी, प्लस में क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर टी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू कॉस टी बाय साइन टी, कॉस टी बाय साइन टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री, प्लस क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री वन जा थ्री माइनस सिक्स साइन स्क्वायर टी, प्लस में क्या हो जाएगा टू, प्लस में क्या हो जाएगा टू, प्लस में क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर टी, प्लस में क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर टी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू कॉस टी बाय साइन टी, कॉस टी बाय साइन टी विद इन ब्रैकेट, देखो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी, माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी, और ये क्या हो जाएगा आपका थ्री थ्री, और ये हो जाएगा माइनस फोर साइन स्क्वायर टी, माइनस फोर साइन स्क्वायर टी। तो नाउ व्हाट वी विल हैव, कॉस टी इंटू थ्री, ये क्या हो जाएगा थ्री कॉस टी, माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अपॉन थ्री साइन टी, और माइनस में क्या हो जाएगा फोर साइन क्यूब टी, फोर साइन क्यूब टी। अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लू, जैसे मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा ये क्या हो जाएगा फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। तो देखो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा क्या होता है कॉस थ्री थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थ्री थीटा, और थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा क्या होता है साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा। तो बेसिकली फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉट थ्री टी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। सच दैट एन टू एन जो फंक्शन है आपका वो n टू n, n का मतलब यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर, मीन सेट a भी नेचुरल नंबर है, सेट b भी क्या है नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय fn। अब आपको fn की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ fn हैज बीन गिवन विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू n प्लस वन बाय टू, विच इज इक्वल टू n प्लस वन बाय टू इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। और फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू, एफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो स्मॉल एन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर, आपको कहा जा रहा है आपको ये बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात,
बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? बाइजेक्टिव का मतलब होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन वन वन है। अगर ये फंक्शन वन वन है तभी ये बाइजेक्टिव होगा, और अगर ये फंक्शन वन वन नहीं होगा तो बाइजेक्टिव होने का मतलब ही नहीं बनता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बाई वन वन प्रूफ करने के लिए हम इसको एरो डायग्राम से ही प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि से दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी। अब ए भी नेचुरल नंबर है, बी सेट भी नेचुरल नंबर है, से 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से सेट बी भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो अगर मैं सेट ए की वैल्यू, सेट ए की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है, ऑड। 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है, ऑड। तो यहाँ पर वन अगर आप यहाँ पे, तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या किया, पुट एन इज इक्वल टू 1, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो जब आप एन की जगह 1 पुट करते हो, अब 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1/2, तो एन की जगह 1, तो एफ एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब 1 की जो इमेज है, इसका मतलब 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ, अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ, 2, तो 2 तो इवन है। अगर मैं n की जगह पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2, तो 2 तो इवन है। तो इसका मतलब जो f ऑफ 2 है, जो f ऑफ 2 है वो क्या हो जाएगा, 2/2, बिकॉज अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू n बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो भी इमेज 1 आ रही है, तो भी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कि f1 जो है आपका वो f2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f1 है आपका वो f2 के क्या है, इक्वल है। पर क्या 1, क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया, f1 जो है f2 के इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर fn इज नॉट 1 1, देयरफॉर fn इज नॉट 1 1। और अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए पहले उसका 1 1 होना जरूरी है, फिर हम चेक करते। अगर ये 1 1 होता तो हम चेक करते क्या ये ऑन टू है, और अगर ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता, तब हम कहते हैं बाइजेक्टिव है। पर ये 1 1 ही नहीं है तो बात वहीं खत्म होगी कि एफ एन 1 1 नहीं है, हैंस नॉट बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? ठीक है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। से दिस इज द स्ट्रीट लाइट, और ये हो गया मैन। अब एज पर क्वेश्चन, मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है स्ट्रीट लाइट और मैन के बीच में, ये कितना है, ये है एक्स, ये कितना है, एक्स है। ठीक है, और स्ट्रीट लाइट का जो हाइट है वो कितनी है एज पर क्वेश्चन, 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसको हम ऐसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ फिगर आपकी फिर ऐसे बनेगी। नाउ से ए बी सी डी ई, तो एज पर द फिगर जो ए बी है वो क्या है, स्ट्रीट लाइट। ए बी इज व्हाट, ए बी स्ट्रीट लाइट, डी इज मैन, और जिसकी हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर, हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड
वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर, रेट ऑफ का मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है dx by dt, आपको क्वेश्चन में गिवन है dx by dt 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ ई शैडो मूविंग एंड एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। देखो शैडो लेंथनिंग का मतलब ये हो गया, देखो ये मैन है तो ये इसकी शैडो होगी, पीछे से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो ये, दिस इज द शैडो, तो शैडो मान लेते हैं शैडो की जो लेंथ है वो वाई है। अब आपको कहा जा रहा है ये जो लेंथ है शैडो की वो किस रेट पर, तो आपको फाइंड करना डी वाई बाई डी टी कि शैडो की जो लेंथ है किस रेट पर, एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग, तो शैडो की जो लेंथ है किस, जो शैडो की लेंथ है उसका रेट हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें वाई जो है इसका रेट फाइंड करना, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। समझ में आ गया, यानी कि जो आपको ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट रेट ऑफ इज शैडो, रेट ऑफ इज शैडो लेंथनिंग, ये जो है आपका हेयर रेट ऑफ इज, इसका मतलब मैन शैडो लेंथनिंग, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इज इट क्लियर, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ इज शैडो मूविंग, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ इज शैडो मूविंग का मतलब एट व्हाट रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग। अब इसको ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। भाई जैसे जैसे मैन आगे होते जाएगा उसका जो शैडो का टिप है वो भी मूव करता जाएगा, तो इसका मतलब डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाय डी टी, एट व्हाट रेट टिप ऑफ इज शैडो मूविंग का मतलब क्या हुआ, जिस रेट पर वो आगे बढ़ेगा उसी रेट पर उसका वो भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन डी एक्स बाय, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इट क्लियर, ठीक है। आप कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये हुआ हेयर ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC, इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे होंगे ये भी बता देता हूँ, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 इक्वल और ये कॉमन एंगल है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर, ठीक है। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज BA अपॉन ED इक्वल टू AC अपॉन इक्वल टू AC अपॉन DC विच इम्प्लाइज व्हाट, BA कितना है 4, ED कितना है 1.6, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC क्या हो गया x plus y और DC क्या हो गया y, इज इट क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा आपका 8 2 16 और 8 5 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5 into y क्या हो जाएगा 5y, 5 into y क्या हो जाएगा 5y और 2 into x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 into y क्या हो जाएगा 2y, 2 into x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 into y क्या हो जाएगा 2y। नाउ डिफरेंशिएटिंग पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कैन आई से दैट 5y माइनस 2y क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x। नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग, अब आपको फाइंड करना dy/dt dx/dt, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या हो जाएगा 3 into dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into dx/dt, इज इट क्लियर, ठीक है। तो dy/dt क्या हो जाएगा dy/dt
डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू टू इंटू, तो देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 0.3 और ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल रिमूव करोगे तो 30 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो गया 3 1 3 3 10 30, तो ये हो गया 0.2, ये कितना हो गया 0.2। इसका मतलब रेट ऑफ इस शैडो लेंथनिंग वो क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ अ शैडो मूविंग इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डी एक्स बाय डी टी कितना 0.3 और डी वाई बाय डी टी कितना 0.2, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, कि जो उसकी शैडो का जो शैडो लेंथनिंग का जो रेट है, रेट ऑफ इस शैडो लेंथनिंग वो कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग वो क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, दिस इज अ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या आपको गिवन है कि ये अगर 1 के इक्वल है तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो आपको कहा जा रहा है प्रूफ करो कि डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, देखो डायरेक्टली तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे, से पुट पुट x इक्वल टू साइन ए, से पुट x इक्वल टू साइन ए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, मैं ये बोल सकता हूं, एंड इफ y इक्वल टू एंड पुट y इक्वल टू एंड पुट y इक्वल टू साइन b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो जहां y है इसको इक्वेशन वन ले लो, नाउ इक्वेशन वन ये किस में पुट करना है, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, तो देखो जी y की जगह क्या आ जाएगा साइन b, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए, ये कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस बी। नाउ वी नो दैट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया वन, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स वन के। यहां तक क्लियर है? a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स वन के। अब a की वैल्यू क्या है, देखो a, नाउ वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a इज साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, प्लस b, वैल्यू ऑफ b साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स वन, वन साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाय टू की, वन साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाय टू की। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव विच इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय टू, इक्वल टू पाई बाय टू, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस वन बाय रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। और कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अब देखो प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस। तो डी वाई बाय डी एक्स इंटू वन बाय रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये डिवाइड है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो उसको मैं कैसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए बाय रूट बी, इसको आप ऐसे ले सकते हो, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही प्रूफ करना था, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।